हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया। देखिए, लास्ट वीडियो हमने देखा था, जो हमने फाइल अपलोड की थी, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता था कि नोटिसेज आते थे कि अनडिफाइंड इंडेक्स फाइल, तो वो इसलिए आते थे। हम अभी हमने क्या हुआ कि ये पेज जो ओपन हो रहा है, यहाँ पर अभी हमने फाइल को सबमिट नहीं किया है, तो उसी से पहले जो हमारी स्क्रिप्ट आ रही, तो उसमें वो एरर शो कर रहा है कि ये अनडिफाइंड है इंडेक्स फाइल। तो कोई बात नहीं, इसके लिए हमारे पास एक उपचार है जो हम करेंगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं, जो फाइल नेम है, ठीक है, जो फाइल नेम है और जो टैंप फाइल नेम है, उसमें हम नोटिस को रिमूव करेंगे, नोटिसेस को। तो आपने देखा होगा, पीएचपी में सबसे पहले आप सिंगल टर्नरी ऑपरेटर यूज करते थे और इस साइड का यूज कर सकते थे करते थे आप, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट पीएचपी में यहाँ पर एक नया क्या था, आपको पता होगा शायद, कि यहाँ टर्नरी डबल टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे और ये शो करेंगे कि अगर ये पहले से सेट है तो वो वैल्यूज की वही रहे। चलिए देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया टैंप नेम का, सिंपल वही वेरिएबल ले लेता हूँ, इससे समझ में आ जाए, ठीक है। TMP नेम, ठीक है, वो मैंने वेरिएबल, इसको मैंने अलग सेव करा लिया, ठीक है, इसको मैं अलग करा लेता हूँ। तो एक मैं फाइल नेम, एक नेम करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैं इसको सेव करा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। मतलब यहाँ मैंने एक एक अलग अलग वेरिएबल लेकर टेम्प फाइल का जो फाइल थी उसको अलग सेव करा लिया, और नेम जो था पाथ जहाँ पर हम सेव कराए अपनी फाइल को मूव करा रहे थे टेम्प से इमेजेस फोल्डर में, वो मैंने अलग सेव करा लिया। तो ऐसा कर लेते हैं, ये जो इमेजेस फोल्डर है, शुरू में नेम के आगे जो लिखा है स्ट्रिंग में इमेजेस फोल्डर का नाम, तो मैं इसको भी अलग सेव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ पहले वाले को, या सेमी कोलन लगा देता हूँ, और जो टैंप नेम है उसको मैं चला के देखता हूँ कि ये ठीक से आ रहे नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ डबल टर्नरी ऑपरेटर यूज करूँगा लास्ट में, ठीक है, और उसके बाद लिख दूंगा नो, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग दे दूंगा। अगर ये सेट होगा तो टैंप नेम में यही वैल्यू आ जाए, ठीक है, फाइल और टैंप नेम, और अदरवाइज वो ब्लैंक हो जाए। तो ऐसे में, ठीक है, तो सेकंड वाले में थोड़ा सा मैं अंतर कर लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, जो फोल्डर का नाम है इमेज, इसको उसमें बाहर ले लेता हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय, कीमती समय निकाला। देखिए, एक नोटिस तो चला गया वहाँ से, ठीक है, ये हमने इसको शो करा दिया कि अगर ये सेट है पहले से तो इसकी वैल्यू यही रहे, अदरवाइज ब्लैंक को स्ट्रिंग दे दी हमने, तो इसलिए वो नोटिस वहाँ शो नहीं हुआ। इसी तरह से नेम के लिए करा लेते हैं कि हम इसको हटा देते हैं पहले, जो फोल्डर का नाम है इसको डायरेक्टरी को मैं, ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्टरी नेम से अलग फोल्डर में डाल देता हूँ इसको, और फिर देखते हैं ये, ठीक है। अभी इस वीडियो में हमारा मकसद है कि नोटिस को हटाना है, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे, जब हमें सेव कराना होगा, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, कुछ और नया लाएंगे तो तब उसको ऐड कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर डबल टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना है, तो देखिए यहाँ से सेकंड नोटिस भी हट गया है इस पेज पर, क्योंकि अभी हमने फाइल को अपलोड नहीं कराया था, तो उसके लिए वो नोटिस आ रहा था कि आपने ये जो वेरिएबल डिफाइन किए इनका क्या होगा, अनडिफाइंड है। तो हमने उसको बस टर्नरी ऑपरेटर लगा कर हमने ये दिखा दिया कि अगर वो सेट है तो यही नाम रहे, ठीक है, टेम्प नेम और नेम दोनों फोल्डर के अंदर अलग अलग, और टर्नरी ऑपरेटर के बाद जो हमने ब्लैंक स्ट्रिंग लिया, वरना वो ब्लैंक स्ट्रिंग शो कर दिया हमने, तो उसने ब्राउजर पर ब्लैंक स्ट्रिंग शो कर रहा है, क्योंकि अभी